ठीक है। सेम बात करें इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स अगर हम यूज करते हैं तो इंडेक्स का कोई अपना यूज है, अगर हम सिर्फ इंडेक्स यूज करें तो इंडेक्स क्या करता है कि एक डेटा में सेलेक्ट करते हैं और डेटा को हम यहाँ से कॉमा रोल नंबर देते हैं तो यहाँ पे शो करता है। तो मैनुअली क्यों दे, जब रोल नंबर पता ही है तो डायरेक्टली उनका रेफरेंस दे दे। यहाँ पे हमारा मैच क्या करता है, रोल नंबर देता है तो हम इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं, हम ऑफसेट भी यूज कर लेते हैं। तो चैन सिस्टम है, इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए कुछ इसमें इसी में कुछ डायनेमिक चीज पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं ना, तो वी लुकअप में क्या है कि मेरे पास डेटा एक सीट में पड़ा है, मान लीजिए कि अगर हम इसको डिलीट करें, मेरे पास डेटा जो एक सीट में है तो हम एक सीट से लुकअप कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको मैंने लुकअप कर दिया, तीसरा नंबर डाल दिया। अब मुझे यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो पूरा करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस तीन के जगह पे हम मैच लगा देते हैं ताकि मुझे मैच क्या करेगा कि इस नेम को हमारे जो डेटा है D1 इसमें सर्च करेगा और जो रो नंबर जो कॉलम नंबर होंगे जो हमें मैनुअली तीन लिखा है वो तीन रन करेगा, जिससे हमारा ऑटोमेट हो गया। कल के डेट में अगर नेम की जगह सिटी डाल दूँ तो मैं अपने आप चेंज हो जाएगा, अगर नहीं अगर मैच का यूज ना करे तो फिर मैं फिर से दोबारा वी लुकअप लगाना पड़ेगा और सिटी जो है चेंज करना पड़ेगा। ए जीरो मैच का जीरो है, ये वी लुकअप का जीरो है। हाँ जी, हाँ सर, अब हो रही है? नहीं अभी नहीं। ओ ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि इसको अगर नीचे ड्रैग करें, अब मैं नॉर्मली हम लोग मार चुले हटा देते हैं, नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं। हमने D1 से डेटा उठाया, इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला 3, 3, 0 आ गया। अब मैं इसको नीचे जब ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, बीच में N आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 700 जो है वो 700 D1 में नहीं D2 में, इसमें D2 में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि फिर हमें दोबारा नीचे के लिए दोबारा भी लुकअप लगाना पड़ेगा अलग। मैं चाहता हूँ कि मेरा दो सीट जब हो तो अपने आप दोनों में से ले ले, तो वी लुकअप किसी भी कंडीशंस में आपको मोर देन वन सीट का डेटा ऑन नहीं कर सकते, और ये नहीं शो कर सकता, सबसे लास्ट में मोर देन वन सीट का डेटा किसी भी कीमत में शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इफ एरर का फॉर्मूला है, इफ एरर के फॉर्मूले में अगर हम एक फॉर्मूला देते हैं और दूसरा हम ब्लैंक या कुछ और लिख दें, यहाँ पे नॉट कर देते हैं, नॉट है, नीचे ड्रैग करते हैं, तो जहां पे एरर था वहां पे क्या शो कर दिया, ए भी शो कर दिया ना, तो यहां भी तो ए भी तो कर सकते हैं कि ए भी के जगह पे हम दूसरा वी लुकअप दे दें, क्या दूसरा वी लुकअप जो कि सीट जो डेटा टू है ना वो डेटा टू से सर्च करे, तभी क्या हुआ कि पहला रिजल्ट दे रहा है तो पहला ही शो करेगा, अगर नहीं तो दूसरा सीट से रन करे। यहां पे क्या हुआ कि ए एरर आ रहा है तो यहां वाला जो दूसरा वी लुकअप है ये दूसरा वी लुकअप चल रहा है। तो जब अगर इस तरह के जब मोर देन वन, मैं दो शीट से डेटा लेना हो तो आप क्या करो
कि आप ये दोनों सीट का वी लुकअप इफ एरर के अंदर में डाल दो, ऐसे कि पहले सीट मतलब कि डी वन का वी लुकअप एंड डी टू का वी लुकअप। तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर पहला वी लुकअप रिजल्ट दिया तो पहले वी लुकअप रिजल्ट शो कर देगा, अगर पहले वी लुकअप का रिजल्ट नहीं दिया मतलब कि इनने एरर आया तो दूसरे वी लुकअप देगा। तो इस एरर में क्या होता है कि अगर आपके कोई फॉर्मूला डाल दो इस एरर में, अगर फॉर्मूला रिजल्ट देता है तो आपको पास दूसरा चॉइस होता है कि उसके जगह पे दूसरा चीज आप शो कर लो। क्लियर है? तो डाउट ये समझ में आया? पहले डेटा से अगर उसने फाइंड किया तो ठीक है, नहीं अगर नहीं है पहले डेटा में तो वो दूसरा वाला जो भी नंबर आया तो वो वहाँ से पिक कर लेगा, यही है ना? हाँ ठीक है। कॉलम 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 ठीक है। अब बात करता हूँ अगर मैं तीन सीट में हुआ तो यहाँ पे एक और वी लुकअप लगाएंगे और हम इसको तीसरे सीट से लिंक कर देंगे, कॉमा 3, कॉमा 0। ठीक है, तीसरा आ गया। और एक और इफ एरर लगाएंगे, हम बोले अगर पहले इफ एरर, अब इफ एरर के अंदर इफ एरर दे सकते हैं कि अगर पहले इफ एरर में एरर आए तो दूसरा चले। इससे फायदा क्या होगा कि यहां पे देखा कि पहले इफ एरर में एरर दे रहा है इसलिए यार दूसरा चल गया। अब यहाँ पे मर्ज करने के लिए क्या करो कि इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करो और ये क्या है, ए बी टू है, यहाँ जहाँ बी टू है वहाँ पे पेस्ट कर दो। नीचे ड्रैग करो ऐसे, चौथे ऐसे, पांचवे। अब एक आपका यहाँ पे एक हो जाता है, सो यहाँ पे कट पेस्ट मार दो, इसे ड्रैग कर दो और यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आगे चाहिए तो जहाँ पे तीन सेलेक्ट किया वहाँ पे 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो। आया समझ में? तो मल्टी सीट वी लुकअप समझ में आ गया। मल्टी सीट वी लुकअप के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास इसका जो पुनीत है उसका डेटा निकालना है। तो हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हमें डी वन से उठाना है तो हम डी वन पे चले गए। कॉमा सॉरी यहाँ मुझे इसके सिर्फ नेम से ना, नेम से क्वांटिटी चाहिए सिर्फ मुझे, तो 3, कॉमा 0 ठीक है। तो इनसे ड्रैग कर दीजिए तो सिर्फ डी वन का आया ना, फिर डी टू के लिए वापस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और डायनेमिक मैच बैच नहीं लगा सकते क्योंकि सीट नेम है। तो मतलब कि अगर हम दूसरा वी लुकअप लगाएंगे तो दूसरे वी लुकअप में क्या क्या डिफरेंस होगा?
डी टू में, सब चीज़ तो सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे डी वन है, यहाँ पे डी टू है और यहाँ पे डी वन है, डी टू डी वन, डी टू डी वन, सही है ना। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम इस डी वन को डिलीट कर दें और इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने किसके साथ किया है, अरे हाइपरलिंक, लेकिन प्रॉब्लम है कि एरर दे रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है और इसमें टेक्स्ट नहीं, मुझे क्या चाहिए होता है, रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए होता है ना। तो यहां पे हम करेंगे इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर मैं टू को यहां पे कर देता हूं, नीचे तक ड्रैग करता हूँ, बागे ड्रैग करने के लिए बी को फ्रीज करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए। जब आगे मैंने ड्रैग किया तो बी बी जो है सी नहीं बना ना, इसलिए। कि तुम क्या पूछ रहे, ये मतलब सारा डेटा लेने के लिए हमने इंडेक्स लगाया और बी को फ्रीज कर दिया हमने। हाँ, ये तो सिर्फ सिंगल कॉलम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अगर कोई डेटा है बहुत सारा उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका कॉलम नंबर दे दो ना यहाँ पे। जो आपको चाहिए उसका कॉलम नंबर यहाँ पे दे दो ना, आ जाएगा। एक सेल में किसी एक सेल की डेटा आएगा ना, एक सेल में आप 10 सेल का डेटा थोड़ी ला सकते हो। इस सेल में खाए तो क्वांटिटी शो कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। अब क्वांटिटी का कुछ और चाहिए तो या इंसर्ट करो, सेम फॉर्मूला होगा, नंबर चेंज हो जाएगा, अलग सेल होगा ना। जैसे एक शीट है उसमें ये क्वांटिटी और क्या क्या था, हाँ उसमें, लेकिन उसमें तीन चीज़ मुझे चाहिए और बाकी, हाँ तीन चीज़ जो चाहिए तो तीन चीज़ इसके लिए तीन सेल होने, तीन कॉलम होने चाहिए ना, इसमें फिर अलग अलग लगेगा। हाँ अलग अलग लगेगा ना, वो वाला एक साथ उससे इस सर। एक मिनट ये बता दीजिए कि जो ये फिनिश करते हैं ना, हाँ जैसे बी थ्री है तो मतलब बी3 था, बी3 के पहले आपने डॉलर लगाया तो ये नीचे वाला फ्रीज हो गया ना। नहीं, बी का फ्रीज किया तो ए फ्रीज हो गया ना। जब मैं आगे ड्रैग करूँगा ना, बी सी नहीं बनेगा, बी कॉलन है ना हमारा। देखिए जब हम यहाँ पे, अगर मैंने इस पे दे दिया ना, मान लो कि हमने जो पाथ दिया है पाथ दे दिया तो जी हो गया। अगर मैं कॉलन चेंज करूँगा तो कॉलन इंक्रीज होगा, रो चेंज करूँगा तो रो इंक्रीज होगा। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, रो चेंज होगा ना, कॉलम चेंज तो नहीं होगा ना, लेकिन रो कहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे फंस रहा है क्योंकि सी टू फिक्स है, इसलिए मैं इसको टू को फ्रीज कर दिया। लेकिन जब मैं आगे ड्रैग करूंगा तो कॉलम चेंज हो रहा है तो कहाँ दिक्कत हो रही है, बी बी सी बन जाएगा, मतलब कि इसको ढूंढेगा फिर, इसे फ्रीज किया हमने। ठीक है सर, एक और
किसका छोटा यार फ्रीज सिंपल सा होता है कि जब आगे ड्रैग करो तो इसको चेंज ना करना पड़े, कभी हमें चेंज की ज़रूरत पड़ती है कभी हमें चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी बात है यार। तो जिसके आगे डॉलर, इसमें रो एक होता है रो एक होता है कॉलर, जिसके आगे अगर आप डॉलर लगा दिया तो अब वो नीचे हमने क्या किया रो का एंगल कर दिया तो रो कभी चेंज नहीं होगा, सब में वन 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 आ रहा है ठीक है। लेकिन आगे ड्रैग करूँगा कॉलन को ड्रैग करूँगा तो कॉलन चेंज होगा क्योंकि कॉलन का आगे ड्रैग नहीं है, अगर कॉलन का आगे लगा दूंगा तो कॉलन चेंज कभी नहीं होगा, सिंपल सी नहीं थर्ड है। जिसके आगे डॉलर है वो फ्री वो कॉपी पेस्ट करने पे नहीं होगा, जिसके आगे डॉलर नहीं है वो होगा। मुझे ठीक है सुनाया, अगर गलती से मैंने दोनों फ्रीज कर दिए तो दोनों फिर नहीं चलेंगे काम नहीं होंगे। ठीक है तुम लोग का एक कन्फ्यूजन है क्या, सही समझ नहीं पा रहे हो क्या आप लोग, इसका मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बिल्कुल। नहीं सर ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने कभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं जो पहले मैंने किया था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, मुझे पता था प्राइवेट वगैरह पहले लगा लेता था तो पता था, ये सारी चीज़ें पता है प्राइवेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है ना उसको प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में फंसाएगा। अगर ये चीज़ें इंटरव्यू में आप कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू 100% निकल जाएगा। जो मैंने आपको लेफ्ट टू राइट की बात की वो हमेशा आपसे पूछेगा, उल्टा वी लुकअप एवरी टाइम पूछेगा आपसे। फ्रीजिंग की बात हुई, ये आपको वी लुकअप जब भी लगाओगे आपको ज़रूरत है क्योंकि आप एक सिल्क नहीं आगे ड्रैग ऊपर नीचे तो करोगे ना, उसके लिए चाहिए। तो चलिए आपके साथ हम एक प्रोजेक्ट डील करते हैं। प्रोजेक्ट क्या डील करते हैं कि मेरी अभी जस्ट एक कंपनी से बात हुई है आप लोग आने से करीब 15 मिनट पहले, एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट है। तो वो क्या करता है कि आप इंटरव्यू जो शेड्यूल करते हैं जो भी इंटरव्यू रखते हैं उसका एक डेटाबेस मेंटेन करता है, जिसमें नेम फादर नेम डेट एवरीथिंग जो भी आपके रिज्यूम में होता है ना डिटेल इंफॉर्मेशन सब रखता है कि आप आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है ठीक है ना, कौन से यूनिवर्सिटी से है ठीक है, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस है आपका, लास्ट वर्किंग कंपनी कौन सी है, हर चीज़ वो अपने डेटाबेस मेंटेन रखता है। कंपनी का रूल क्या है कि आप एक बार जब इंटरव्यू देते हो तो 6 महीने तक उसमें आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, 3 महीने 6 महीने। लेकिन कुछ चालाक बंदे ऐसे होते हैं जो अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करके और दोबारा घुस जाते हैं। अब याद थोड़ी होता है कि 3 महीने को पहले कौन आया था, 3-4 महीने में घुस जाते हैं, 2 महीने घुस जाते हैं या दूसरी ईमेल आईडी दूसरा ईमेल आईडी शॉर्ट नेम और दूसरा उसके ऑफिस में चले जाते हैं। जैसे एक कंपनी है जो गुड़गांव नोएडा धोने के लिए है तो गुड़गांव में फेल हो गया तो नोएडा चला गया, लेकिन एचआर तो सबकी सेम है ना। तो वो देखना चाहते हैं कि किसी का रिज्यूम अगर आता है तो वो पूरा डेटा वेरीफाई करना चाहते हैं क्या हमारे रिपीटेड है, इससे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो क्या दिया है। क्या मान लो कि किसी ने 6 महीने पहले बताया कि मैं ये हूँ अंडर ग्रेजुएट हूँ, 6 महीने बता रहा है कि मैंने एमसीए कंप्लीट कर ली, 6 महीने कैसे एमसीए कंप्लीट कर लिया आपने भाई, ये तो मिसकम्युनिकेट हुआ ना, तो ऐसे बच्चों को नहीं रखना जो झूठ बोल रहा है। या फिर 6 महीने बताता है कि मैं 2 साल की एक्सपीरियंस था, 6 महीने बाद हम देख रहे हैं पता चल रहा है कि वो बता रहा है कि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का 6 साल कहाँ से लेके आ गया, 6 महीने 6 साल थोड़ी होते हैं। ऐसी पूरी डिटेल्स मैंने उनको मैनेज मेंटेन करना है
ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है उनको ढूंढना, कि वो क्योंकि कोई ऐसा आईडी वाली जनरेट नहीं ना होता है, बस वो ढूंढना चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। अभी सबसे पहला प्रायोरिटी होता है ना सेल फोन नंबर, फिर दूसरी प्रायोरिटी है ईमेल आईडी, अगर दोनों ना मिले तो तीसरी प्रायोरिटी क्या है, नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कि तीनों जो है 1 लाख में 1 मिलता है। मुश्किल है कि आपका नेम भी मैच कर जाए, आपका फादर नेम भी मैच कर जाए। मतलब कि कह सके ये तीनों चीज़ को वेरीफाई करना। तो आप ऐसा एक फॉर्म, एक डेटाबेस पहले डिजाइन करो जहाँ पे सारे एम्प्लॉय के नंबर डालो, फिर एक फॉर्म डिजाइन करो जिसमें वो तीन ऑप्शन हो सर्च करें, पहले सेल फोन से सर्च करें नाम मिले, फिर दूसरे पर दूसरे सेल में ईमेल सर्च करें नाम मिले, फिर नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ सर्च करें तो दिखना चाहिए विथ बी लुकअप। डेटाबेस बड़ा नहीं निकाला है हमें, डेटाबेस से मतलब नहीं है हमें, लुकअप मेथड से मतलब। अगर नेम लुकअप हो गया तो बाकी चीज तो लुकअप हो ही जाएगी ना। क्या बोल रहे हो, तो आपको लुकअप मेथड जनरेट करना है। तो जरूरी नहीं कि आप 100 कॉलम का डेटाबेस ना, आप जनरली 10-15 कॉलम का एक डम्मी डेटाबेस बना लो, एक फॉर्म बना लो, एक ऑफिशियल फॉर्म बनाना ताकि मैं आगे पास आउट कर सकूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे किसी को फॉरवर्ड करना है। तो ये प्रोजेक्ट है आपका जो आपको कल तक ला के, और ये प्रोजेक्ट सिंपल है क्योंकि इससे पहले मैं 2 कर चुका हूँ उसका, मैं खुद 2 प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं, तभी तीसरा मेरे पास आया। मैंने उनकी 2 कंपनियों के लिए किया था, तीसरी कंपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहती है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे ढूंढ के बताओ, बताओ करके, तो मैं आपको, आप लोग प्रोजेक्ट मांग रहे थे ना, जिस द लाइव प्रोजेक्ट, और डेडलाइन है कल तक का, कल नहीं दोगे तो मुझे कल बना के भेजने पड़ेंगे शाम तक, क्योंकि मैंने उसको परसों का रिकमेंड किया है। दूसरा क्राइटेरिया, पहले सेल नंबर से ढूंढेगा, अगर सेल नंबर मैच नहीं करता है तो नहीं, ईमेल आईडी से मैच करें, ईमेल आईडी मैच नहीं करता है, आपको 3 इनपुट देने हैं, ढूंढ अपने आप ले लेगा वो, डालेगा डालना चाहिए, नेम डाला, अगर मोबाइल नंबर डाला, अब मोबाइल नंबर से मैच कर रहा है तो रिजल्ट होना चाहिए वरना ब्लैंक हो, फिर उसने ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी से मैच करना हो तो दिखे वरना ब्लैंक हो, फिर नेम फादर ने डेट ऑफ बर्थ दिया, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक हो, बस सिंपल सी बात। तो कल का आपका होमवर्क है, पकड़ के लाइए, ठीक है सर। पंकज जी, फॉर्म बनाना है, फॉर्म, डेटा विथ फॉर्म, डेटा विथ फॉर्म जहाँ ढूंढ सके हो, एक डेटाबेस, डेटाबेस में इंटरव्यूज जितने रिसीवी जाते हैं उसका डेटा डालते जाए, इंटरव्यू जो कनेक्ट कंडक्ट कर रहा है वो डालता जाए, और जो नया रिज्यूम आए तो डालने से पहले वो चेक करेगा कि है कि नहीं है डेटाबेस में। उसका काम क्या है कि उसके बाद रिज्यूम आता है मेल पे, बाई मेल आता है या फिर बाई हैंड आता है, उसको डेटाबेस एंट्री करना है, लेकिन एंट्री करने से पहले क्राइटेरिया चेक करना है कि डेटाबेस में है कि नहीं है, वो कंट्रोल ऐप से चेक करता है, फिल्टर लगा के चेक करता है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो पहले चेक कर ले, अगर ना हो तो फिर एंट्री करे बस। अरे कल एक क्वेश्चन आया था, मैं जो ऐसे 3 मीटर है ना, एक हमारे पास 3-4 शीट्स हैं, उस डेटा को मेरे को एक शीट में चाहिए, तो पॉसिबल है? बिद्बीवी है, मल्टी शीट, मेरे चैनल पे जाना वहाँ मिल जाएगा आपको, मल्टी शीट डेटा कलेक्शन विद मल्टी शीट, डेटा मर्जिंग विद मल्टी शीट। मैं उसको ये बता रहा था कि मैंने पिवट के थ्रू कर सकते हैं, पिवट के थ्रू समराइज कर सकते हो ना, डेटा कैसे कर सकते हो, कलेक्शन कैसे कर सकते हो, उसके लिए वीवी है, वीवी यूज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ओके बाय।